वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज रिगार्डिंग एपिकल मेरिस्टेम। नहीं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। आज उसी एपिकल मेरिस्टेम से एपिकल मेरिस्टेम का कुछ थ्योरी है, हैं? उस थ्योरी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि तीन तरह का थ्योरी होता है। एक होता है एपिकल सेल थ्योरी, क्या होता है एपिकल सेल थ्योरी। दूसरा है हिस्टोजेन थ्योरी। क्या है? हिस्टोजेन थ्योरी। और तीसरा है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, दीज आर द रिगार्डिंग फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो थ्योरीज है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें गूट और स्टीम, हम एनाटोमी पढ़ रहे हैं, और जब भी एनाटोमी क्या होगा, जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जब तक उस रूट को, उस स्टेम का, उस लीव्स का हम टीएस नहीं काटेंगे, जब तक डिफरेंट लेयर हमारा क्लियर नहीं होगा। नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो सिक्वेंस है, अगर कहा जाए, अगर एपिकल सेल थ्योरी की बात करें, सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले दिया नैजेरी ने। नहीं, किसने दिया इस थ्योरी को? सबसे पहले नैजेरी ने दिया। और ये थ्योरी, इसमें कहा गया कि ये जो रीजन है एपिक्स रीजन, जो एपिकल रीजन है, आप जानते हैं कि एपिकल रीजन ये क्या होता है, ग्रोथ, ये आपका लेंथ, उसका साइज, उसका क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो एपिकल रीजन है, इसमें क्या होगा, ये रूट के केस में भी और स्टीम के केस में भी क्या होता है, इसका क्या होता है, लेंथ इंक्रीज करेगा। नहीं, लेंथ इंक्रीज करेगा। तो लेंथ जब इंक्रीज करेगा, तो जानते हैं कि ये जो एपिकल रीजन है, ये जो एपिकल रीजन है ना, तो उसमें कंटिन्यूअस क्या होता है, सेल का डिवाइडिंग होता है, डिविजन होता रहता है। सेल का डिविजन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता रहता है। नहीं, और कंटिन्यूअस डिवीजन से क्या करेगा, ये उसके लेंथ में, उसके साइज में क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये है एपिकल सेल थ्योरी। क्या है ये है एपिकल सेल थ्योरी, कि जिसका सेल थ्योरी का किसने दिया था, इस थ्योरी का दिया था नैजेरी ने दिया था। क्या कहा था इसमें, कि ये जो रीजन है ये कहां पाया जाता है, ये रीजन कहां पाया जाएगा, ये रीजन पाया जाता है आपको थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में कहां, ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में कहां, टेरिडोफाइटा में। ये आपका रीजन है किसका, एपिकल रीजन का। क्या इसका, ये एपिकल रीजन का है। इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है, उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, क्या रखा 1858 की बात कर रहे हैं। गेट कंपल्सरी नहीं है कि जान लीजिए कि आप इसमें कंटिन्यूस डिवाइड हो रहा है। नहीं, ये कंटिन्यूटी डिवाइड करने के बाद क्या होता है, अब स्टार्ट होता है आपका हिस्टोजेन थ्योरी। क्या होता है आपका स्टार्ट होता है हिस्टोजेन थ्योरी। आपने देखा होगा कि जस्ट आर्टिकल के बाद कौन आता है, हिस्टोजेन। तो हिस्टोजेन थ्योरी एक चीज जान लीजिए, इससे पहले हम एक रिसर्च करते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि जब हम एनाटोमी का, जब टीएस काटते हैं ना, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं ना, चाहे वो रूट्स का हो, चाहे वो क्या होता है स्टेम्स का हो, चाहे वो रूट्स का हो, चाहे वो आपका स्टेम्स का हो, चाहे रूट्स का हो और चाहे स्टेम्स का हो, जब टीएस काटते हैं तो डिफरेंट लेयर्स होता है। क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स होता है इसमें।
मतलब कैसे आप देखेंगे कि डिफरेंट लेयर्स में एक सीक्वेंस के बेस पे आपको देखना पड़ेगा। नहीं कैसे, एक रीजन होगा एपिडर्मल रीजन, एपिडर्मल रीजन होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ग्राउंड रीजन होगा, ग्राउंड रीजन के क्षेत्र पे हम देखते हैं। तीसरा क्या होगा, वैस्कुलर रीजन के बेस पे हम देखेंगे, वैस्कुलर रीजन के बेस पे देख। एक एपिडर्मल जिसको डर्मल, जिसको डर्मल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है, इस के बाद हम ये डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप का टिश्यू सिस्टम होता है। तो एक रीजन होता है एपिडर्मल रीजन, दूसरा होता है ग्राउंड रीजन, तीसरा होता है वैस्कुलर रीजन। इस रीजन में जो आपने देखा ना सेल होता है ना, और उसके बाद इसके ग्रुप्स को आप क्या करें, ग्रुप्स को आप टिश्यू कह रहे हैं ना, तो वही चीज टिश्यू मतलब डिफरेंट लेयर में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो एक है एपिडर्मल रीजन। तो आप कैसे सीक्वेंस देखेंगे, किसी सेल का जब किसी का जब टीएस काटेंगे रूट का या स्टेम का या लीव्स का, तो सबसे पहले हम देखते हैं वो रीजन होता है क्यूटिकल। क्या होता है, क्यूटिकल होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका एपिडर्मिस लेयर। क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर। उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है आपका कॉर्टेक्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स। उसके बाद रीजन क्या होता है, इस कॉर्टेक्स के बाद होता है इंडोडर्मिस। नहीं, इंडोडर्मिस के बाद क्या होता है, इंडोडर्मिस के बाद होता है आपका पेरिसाइकल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपको वैस्कुलर रीजन। इस वैस्कुलर रीजन में क्या होता है, इस वैस्कुलर आएगा आपका जाइलम, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। उसके बाद क्या होता है, कैम्बियम आता है। कैम्बियम के बाद क्या होता है, पिथ, किसमें पिथ होगा किसमें पिथ नहीं होगा, पिथ या विदाउट पिथ। दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इफ यू कट द सेक्शन ऑफ द रूट सेक्शन ऑफ द स्टेम सेक्शन ऑफ द लीफ, इट शोड द डिफरेंट सीक्वेंस लेयर, देन यू कैन डिवाइड इट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कैन यू डिवाइड इट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, कैन यू डिवाइड इट वैस्कुलर रीजन। ये तीन टिश्यू सिस्टम होता है, उसके बेस पे जो है हम इसको डिवाइड कर दिया। जितना भी लेयर है, चाहे वो क्यूटिकल हो, चाहे एपिडर्मिस हो, चाहे कॉर्टेक्स हो, चाहे इंडोडर्मिस, ये एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को जानना आपको जरूरी है, ताकि आपका क्या होगा, कंसेप्ट होगा। चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या, देखिए कौन सा थ्योरी था, हिस्टोजेन थ्योरी। नहीं, पहला क्या था आपने देखा कि, पहला देखा कि एपिकल सेल थ्योरी, और दूसरा है हिस्टोजेन थ्योरी। क्या है, हिस्टोजेन थ्योरी। ये हिस्टोजेन थ्योरी क्या होता है, इसने क्या किया, हिस्टोजेन ने किसने किया, हिस्टोजेन थ्योरी ने, हिस्टोजेन थ्योरी ने किया आपको हैंस्टिंग ने इसका डिस्कवर किया, हैंस्टिंग। ये जो हिस्टोजेन थ्योरी है, ये जो हैंस्टिंग है, ये हिस्टोजेन मींस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना ब्रांच में हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सॉरी ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू कहा जाता है। आपने सेल कहा ना, सेल के बाद क्या, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। नहीं मतलब बहुत सारे टिश्यू में क्या बनेगा, आपका सेल का फॉर्मेशन बनेगा। तो ये जो है कि ग्रुप ऑफ, हिस्टोलॉजी किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल, नहीं बहुत सारे सेल के ग्रुप को आप टिश्यू कहा जाता है। तो उसी से बना आपका हिस्टोजेन थ्योरी। और इसमें क्या होता है, आपने एपिकल में इसमें भी क्या देखा, आपने एपिकल मेरिस्टेम में देखा ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, डिवीजन होता रहता है। तो डिवीजन होगा तो क्या होगा, तो डिवीजन होने के बाद एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, ये एक क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका क्या होता है, जिसका हिस्टोजेन का फॉर्मेशन होता है, हिस्टोजेन थ्योरीज का फॉर्मेशन होता है। ये कंसेप्ट है, इसने दिया था, हैंस्टीन ने दिया था। तो आप कहने का मतलब ये है कि ये जो है इस थ्योरी में क्या होता है,
अगर इस थ्योरी को डिवाइड करें तो तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट होता है आपका क्या होता है, एक पार्ट होता है आपका इपिडर्मल, इपिडर्मल। दूसरा होता है आपका पेरिब्लेम, और तीसरा क्या होता है प्लीरोम। दीज आर द पार्ट ऑफ द हिस्टोजेन, दीज आर द पार्ट ऑफ द हिस्टोजेन। ये हिस्टोजेन का क्या होता है, ये पार्ट्स है। नहीं, किस हिस्टोजेन को हमने कहा क्या, किसने डिस्कवर किया, हैंस्टीन ने डिस्कवर किया। इसमें क्या होता है, आपने देखा कि पहला है इपिडर्मल, दूसरा है पेरिब्लेम, तीसरा है प्लीरोम। इपिडर्मिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इपिडर्मिस, जो आउटर लेयर होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, रूट्स एंड स्टेम्स, उसको आप क्या करेगा, आप उसको इपिडर्मिस कहेंगे। सेकेंड लेयर जो है आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट, ये आपका तीसरा पार्ट। पेरिबुलम में क्या होता है, हम बता दें कि इपिडर्मिस से कौन सा पार्ट होता है, इपिडर्मिस के बाद होता है कॉर्टेक्स रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और उसके बाद कौन सा रीजन होता है, ये वैस्कुलर रीजन होता है, वैस्कुलर। इसमें क्या होगा, इसमें जाइलम होगा, इसमें फ्लोएम होगा, नहीं इसमें क्या होगा, कैम्बियम होगा, इसमें मेडुलरी रेस होगा, इसमें पिथ होगा, ये रीजन कहलाता है आपका पिलोरो। तो अगर आप डायग्राम के से हेल्प करके देखेंगे, इस डायग्राम के हेल्प से देख लिए, आप मान लीजिए ये है ना ये लेयर, अगर इसकी लेयर की बात करें तो अगर हम ये लेयर देखेंगे तो सबसे बाहर वाला लेयर हुआ, उसके बाद ये लेयर हुआ, उसके बाद ये लेयर, नहीं इस लेयर में क्या होगा, इस लेयर में होगा, इसको कहिएगा क्या, इपिडर्मल, क्या बोलिएगा इसको, इपिडर्मल। जो इपिडर्मल क्या करेगा, ये इपिडर्मल आपका इपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा, क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, इपिडर्मिस का। और दूसरा क्या है, दूसरा जो रीजन है ये है आपका पेरिब्लेम कहा जाता है, जो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, कॉर्टेक्स का। और ये जो बीच और सेंटर पार्ट से वैस्कुलर, ये जो वैस्कुलर रीजन है जिसमें क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, बताया नहीं आपने, मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन होगा। तो ये पार्ट जो है, ये जो है आपका कि इपिडर्मल हुआ, पेरिब्लेम हुआ और प्लीरो, नहीं ये पार्ट क्लियर करिएगा, ये हुआ आपका इपिडर्मल, ये हुआ आपका पेरिब्लेम, और ये हुआ आपका प्लीरोम पार्ट्स हो गया। ये पार्ट्स है आप किसका, ये है आपका हिस्टोजेन थ्योरी का। उसके बाद चलिए, उसके बाद जब आप डिस्कस करेंगे वो लास्ट थ्योरी है, वो लास्ट थ्योरी क्या है, वो लास्ट थ्योरी है आपका ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इसका किसने दिया था, शिमिट ने दिया था, नहीं ये शिमिट ने दिया था। तो आप देख लीजिए यहां पे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये जब थ्योरी आया था ना, सबसे डेवलप थ्योरी कौन था, सबसे डेवलप थ्योरी था आपका, वो था आपका एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा था आपको हिस्टोजेन थ्योरी। ये दोनों डेवलप फॉर्म था, एपिकल मेरिस्टेम का डेवलप फॉर्म था। उसके बाद जो आया लगभग अप्रोक्स 1972 के आसपास जो थ्योरी आया, 1972 अप्रोक्स, तो ये थ्योरी आया आपका ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। दो चीजें यहां, एक है ट्यूनिका रीजन, दूसरा है कॉर्पस रीजन। जब आप देखते ना डायग्राम, जब आप देखेंगे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखेंगे आप, ये है आपका ये रीजन ना, और इसमें आप देखेंगे ये जो बाहर वाला लिया ना, ये बाहर वाला,
अगर कहा जाए ये सेंटर की बात कर दे, नहीं देख लीजिए ट्यूनिका की बात अगर हम करते हैं ना ट्यूनिका का, तो ट्यूनिका का जो होता है टू डायरेक्शन होता है, टू डायरेक्शनल होता है, मतलब ये हुआ इस तरह से, ये इस तरह से डायरेक्शन होगा। लेकिन कॉर्पस की बात करें तो इसका जो रीजन होता है वो चारों तरफ होता है, क्या होगा चारों तरफ होगा। तो कहने मतलब ये रीजन जो है आपका, ये जो आउटर रीजन है, नहीं ये लिप पार्ट हुआ इसका, ये कहा जाता है आपका ट्यूनिका, क्या बोलेंगे इसको ट्यूनिका। ये रीजन है वो है आपका कॉर्पस है, मतलब क्या हुआ ट्यूनिका दैट इज आउटर रीजन ना। और इस रीजन में क्या होता है, क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, इस रीजन फॉर्मेशन करता है आपको एपिडर्मिस का, क्या चीज फॉर्मेशन करेगा ये इस रीजन में करेगा आपको एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। और इस कॉर्पस रीजन में क्या करेगा, बाकी जो रीजन आपने देखा था कि हिस्ट्रोजन में डर्मेटोजेन पेरिब्रेम प्लेरो, ये तीनों मिलकर के आपका एक मतलब है कि वो क्या था एपिडर्मल रीजन बनाया था, ग्राउंड रीजन बनाया था, उस वैस्कुलर रीजन बनाया था। लेकिन इसमें जो है दो ही मिलकर क्या होता है आपका रीजन बनाता है, एक एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा जो बाहर वाला लेयर है जो टू डायरेक्शन में होगा, और दूसरा क्या है, दूसरा है कॉर्पस रीजन जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है, कॉर्टेक्स का ही नहीं कॉर्टेक्स हुआ, आप जानते हैं कॉर्टेक्स में क्या क्या सब आता है, आप जब कॉर्टेक्स को देखेगा ना, जब हम लोग जो इसके बाद वाला चैप्टर जो हम लोग देखेंगे डिस्कस करेंगे टॉपिक, तो उसमें देखिए कॉर्टेक्स में क्या होता है, उसमें कहीं पर आप देखिएगा पैलेनकाइमा रीजन होता है, नहीं कहीं पर देखिए पॉलेनकाइमा रीजन होता है, नहीं पॉलेनकाइमा पॉलेनकाइमा स्केलेनकाइमा क्लोडेनकाइमा, दीज रीजन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स का ही रीजन है। तब उसके बाद क्या होता है, इसमें कॉर्टेक्स होगा, इसमें क्या होगा कॉर्टेक्स के बाद होगा आपको इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद क्या होगा, इंडोडर्मिस के बाद होगा आपका जाइलम फ्लोएम, इंडोडर्मिस का पेरिसाइकिल आल्सो ना पेरिसाइकिल जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, जितना भी है पीथ, कहीं पीथ होता है कहीं पीथ नहीं होता, देखेंगे जब डिफरेंस करेंगे मोनोकॉट डाइकॉट, मोनोकॉट रूट डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ डाइकॉट लीफ, अगर हम यहां देखेंगे कि पैरेनकाइमा की बात करेंगे तो लीफ केस में देखिएगा मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया था पैरेनकाइमा, एक स्पॉन्जी में दूसरा क्या है, दूसरा है आपको पैलिसेड में। तो यहां जाने का मतलब है ये जो आपका रीजन है, ये जो थ्योरी है, ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी लास्ट में आया था 1972 में, इसमें कहा गया था कि ये जो है उतना डेवलप थ्योरी नहीं है, लेकिन दिया गया इस बेस पे कि ये ट्यूनिका क्या फॉर्मेशन करेगा, ट्यूनिका फॉर्मेशन करता है एपिडर्मिस का, और कॉर्पस क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ये कॉर्टेक्स रीजन का और वैस्कुलर रीजन का फॉर्मेशन करता है, जितना भी इसके बाद जो रीजन है जो लेयर है वो क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है। तो यह है आपका एपिकल जो मेरिस्टेम का जो थ्योरी है, उस बेस पे इस थ्योरी को क्या किया गया डिवाइड किया। आपका कंसेप्ट याद रखना है, नहीं बट आप जब देखेंगे सेक्शन काटेंगे ना, कहा जाता है कि ये राउंड सेक्शन ऐसे ऐसे काटा जाएगा, नहीं उसके बाद डिफरेंट लेयर होगा, उसके बाद वाला रीजन होगा, उसके बाद वाला अलग रीजन होगा, नहीं तो अगर ये आप देखते हैं तो ये क्या हुआ, ये आपका एपिडर्मिस हुआ, नहीं एपिडर्मिस हुआ, उसके बाद वाला रीजन क्या होगा, इसके बाद वाला आपका कॉर्टेक्स होगा, ये एपिडर्मिस हुआ एपिडर्मिस हुआ, ये कॉर्टेक्स होगा, उसके बाद डिफरेंट लेयर होगा, जाइलम होगा फ्लोएम होगा कैम्बियम होगा, ये डिफरेंट लेयर होता है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सीक्वेंस में जाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि इंडोडर्मिस पहले हो, ऐसा नहीं कि जाइलम पहले हो, ये जो सीक्वेंस है इसलिए कहा गया है, इस टिश्यू को जो टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया गया, तीन तरह से टिश्यू सिस्टम को डिवाइड किया गया, नहीं एक था आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है आपको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो ये दी जा रहा था मेसोमेटिक टिश्यू ना, हम लोग ये मेसोमेटिक टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके थैंक यू।